स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के भवारना में न्यूगल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। परमार ने बच्चों को वार्षिक उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बच्चों को नशे से बचने के लिए इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेवजह अन्य स्वास्थ्य संस्थाएं रेफर करने वाले चिकित्सकों का ऑडिट करने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए प्रदेश के सभी चिकित्सकों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 400 ऐसे चिकित्सकों की सूची भी उपलब्ध है जो मरीजों को महंगी दवाइयां लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 202 चिकित्सकों, 735 स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि के पद भरे जा रहे हैं। मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि भवारना में सिविल अस्पताल को अपग्रेड कर 50 बिस्तर का करने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भवारना में 25 करोड़ की लागत से भवन निर्माण किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लगातार चेक करने के आदेश जारी किए हैं और इस अनैतिक कार्य में सम्मिलित होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के आदेश भी दिए गए हैं। परमार ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने नवजन्मे बच्चों के लिए बेबी केयर किट 5 दिन में आरंभ की जा रही है। लोगों को 56 तरह के निःशुल्क टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें आशा वर्कर और हेल्थ सुपरवाइजर लोगों के सभी प्रकार के जरूरी टेस्ट करने के प्रति उन्हें प्रेरित भी करेंगे। इससे पूर्व विद्यालय के प्रबंधक अंकुर कटोच ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वैसे तो हमने चिंताएं दूर करने के आपके नजदीक ये 50 बिस्तरों का अस्पताल 25 करोड़ का बन रहा है, 4-5 डॉक्टर भी अच्छे यहां पर आ गए हैं, दवाइयां भी हम मुफ्त दे रहे हैं। 15 दिनों के बाद आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा होगा, उसको बेबी केयर किट 15 जो उसमें आइटम है वो भी मुफ्त देंगे। हमने 56 टेस्ट जो है आपके निशुल्क करने हैं, जिसमें किडनी का टेस्ट भी होगा, जिसमें जिसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, शरीर के सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। और बीमारी की हालत में नहीं, बीमारी से पहले भी हमारे जो हेल्थ एजुकेटर है, आशा वर्कर है, वो उनको जागृत करेंगे कि आपका टेस्ट जो है निशुल्क होगा, 56 टेस्ट, एक भी पैसा आपसे नहीं लेंगे। 330 दवाइयां हम मुफ्त दे रहे हैं आपके ये सिविल हॉस्पिटल में, हम 216 दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं, यहां तक कि जो हेल्थ सब सेंटर है उसमें भी 43 दवाइयां हम मुफ्त दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ तो सरकार कर रही है, परंतु हमें भी अपने स्थान पर जागृत होने की जरूरत है। और हम स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ सुलह हल्के की नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की ठीक करेंगे। 202 डॉक्टर हमारे पास 10 दिनों में आने वाले हैं, जिन्होंने MBBS पूरी कर ली। हमारे पास स्टाफ नर्सिस 735 आने वाली है। एक अस्पताल एक डॉक्टर से नहीं चलता, वहां पर फार्मासिस्ट भी चाहिए, वहां पर स्टाफ नर्सिस भी चाहिए, वहां पर रेडियोग्राफर भी चाहिए, वहां पर लैब टेक्नीशियन भी चाहिए। पर हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अस्पताल अगर 50 बिस्तरों का बना दिया, 100 का बना दिया, इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बेवजह मरीजों को हम अस्पताल से पालमपुर टांडा मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, तो अब उन डॉक्टर्स का ऑडिट भी होने वाला है। ये सख्त निर्देश है और अखबार वाले भेज भी सकते हैं, ये सख्त निर्देश है। और सख्त निर्देशों में 400 डॉक्टर्स की सूची हमारे पास आ गई है, जिनके समन
केमिस्ट शोक के साथ हैं या उनके संबंध दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ हैं, जो बेवजह गरीब की जेब को हल्का करते हैं, गरीब की सेवा नहीं करते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये सख्त योजना इसलिए कि सभी को अगर स्वास्थ्य का लाभ मिले तो बेवजह किसी को तंग ना किया जाए।